एफएम चैनल के बारे में सुना। अब उनको को अपना एफएम चैनल बनाने का सौभाग्य मिल रहा है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की शहरी जिंदगी के अनुसार एफएम चैनल एक जरूरत बन चुका है। कि एफएम चैनल पर युवाओं के लिए प्रोग्राम्स आते हैं, लेडीज के लिए प्रोग्राम्स आते हैं और किसानों के लिए बहुत से यूटिलिटी एबल प्रोग्राम्स आते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सहायक साबित होती हैं, वो चीज़ें हमें बहुत बेनिफिट देने वाली होती हैं, बहुत सी नॉलेज गेन करते हैं हम लोग वहाँ से। इवन देन हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छा अचीवर पॉइंट है ये, क्योंकि ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में हमारे युवाओं को एक रोजगार का साधन भी साबित होगा। लेडीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनको घर बैठे ही बहुत सी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो उनके लिए यूटिलिटीएबल होंगी। तो हमें बहुत ही इस चीज़ के साथ हमें बहुत ही ऑब्लाइज कर रहे हैं कि हमें थैंक्स है उन लोगों के जिन्होंने इस चैनल की अप्रूवल दी। थैंक्स। दोस्तों, इंट्रो से आपको इस वीडियो के विषय का पता चल ही गया होगा। आज आपको हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में नए खोले जाने वाले एफएम रेडियो चैनलों के बारे में बताएंगे। पहले निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अबोर में एफएम रेडियो की मंजूरी मिलने से खास तौर पर युवाओं में उत्साह है। केंद्र सरकार ने पंजाब में 19 नए एफएम रेडियो चैनल शुरू करने की घोषणा की है। अबोर के अलावा लुधियाना, बठिंडा, होशियारपुर, मोगा और पठानकोट में भी नए एफएम चैनल खोले जाने हैं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में एफएम चैनल शुरू किए जा सकते हैं। अबोर में एफएम शुरू होने से किसानों, विद्यार्थियों, गृहिणियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। एफएम रेडियो स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का तेज गति से प्रसारण, युवा प्रतिभाओं को सामने लाने के साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। इससे पहले 2012 में यूपी सरकार ने 48 करोड़ रुपए की लागत से अबोर में एफएम रेडियो शुरू करने की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन उस समय राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध न करा पाने के कारण अबोर के लोगों का एफएम चैनल का सपना पूरा नहीं हो सका। एफएम चैनल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 एकड़ जमीन की मांग की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स। एफएम रेडियो की हमारे पिछले काफी लंबे समय से मांग थी, जो पूरी होने जा रही है, जिसमें हमें बहुत ही खुशी हो रही है। जिस तरह महानगरों में एफएम अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, वह स्थानीय छोटे शहरों में भी अगर अपनी इसी प्रकार सेवा देंगे तो लोगों को बहुत खुशी होगी और वह अपने मनोरंजन का एक अच्छा साधन पा। हेलो फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशन, हमारे शहर में एफएम रेडियो शुरू होने जा रहा है, जिसके हमारे शहर को, स्टूडेंट्स को बहुत सारे फायदे होने वाले, किसानों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, स्टूडेंट्स को शहर के डेवलपमेंट के डेली रिपोर्ट्स मिलती रहेगी, किसानों को रेगुलरली रिपोर्ट्स मिलती रहेगी, मनोरंजन होगा, शहर में रोज के लाइव प्रोग्राम एफएम पे चलेंगे, लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा।